ऋषिकेश में मुनि की रेती थाना क्षेत्र के खारा स्रोत स्थित पीडब्ल्यूडी तिराहे पर रेत से भरा एक डंपर अनियंत्रित होकर सड़क किनारे खड़े टेम्पो पर पलट गया। इस घटना में एक युवक डंपर की चपेट में आ गया, जिससे उसकी दर्दनाक मौत हो गई। बता दें कि ब्रह्मानंद मोड़ पर रेत से भरा एक डंपर ब्रेक फेल होने की वजह से अनियंत्रित हो गया और पीडब्ल्यूडी तिराहे पर आने के बाद डंपर ऋषिकेश की ओर मुड़ते ही अचानक पलट गया। इस दौरान सड़क किनारे खड़ा एक युवक संदिग्ध परिस्थितियों में ट्रक की चपेट में आ गया, जिसकी घटना स्थल पर ही दर्दनाक मौत हो गई। वहीं इस घटना की जानकारी मिलते ही इंस्पेक्टर रितेश शाह अपनी पूरी टीम के साथ मौके पर पहुंचे और ट्रक की चपेट में आने वाले युवक का शव कब्जे में लिया और उसे पंचनामा भरने के बाद पोस्टमार्टम के लिए भेजा। इसी क्रम में इंस्पेक्टर रितेश शाह ने बताया कि डंपर का ड्राइवर भी मौके से फरार हो गया। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। ऋषिकेश से महेश पवार की रिपोर्ट। अभी सुनने में तो ऐसा आ रहा है कि ये ट्रक वहां से ब्रेक फेल हुए ऊपर से और ये मतलब यहां पर आकर ऐसे पलट गया। एक आदमी इतनी बुरी तरीके से इसमें मतलब वो खत्म ही हो गया है। मैंने आपके प्रेस के माध्यम से भी पहले सितंबर के टाइम पे बोला था शासन प्रशासन को कि ये जो भारी वाहन है वो क्षेत्र में आबादी वाले क्षेत्र में ना आए, तो इससे भारी नुकसान होने का वो था। मैंने पहले भी अवगत कराया है कई बार, लेकिन शासन प्रशासन ने मेरे ख्याल से इस पर ध्यान ना दिया, नहीं देने के कारण ये क्या नाम है आज इतना बड़ा हादसा यहाँ पर हुआ है, जिसमें एक आदमी की आधी से ज़्यादा बॉडी कट के अलग अलग पड़ी हुई है। पहले भी हमने शासन प्रशासन को कहा है कि भारी वाहन मेन रोड पर इस तरीके से ना छोड़े, वो बाईपास चले तो कोई दिक्कत ही नहीं है। अब ये कम से कम 8वां या 10वां हादसा।